सोलन में ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस द्वारा रोष रैली निकाली गई। ये रैली प्रदेश अध्यक्ष जगदीश भारद्वाज की अध्यक्षता में निकाली गई। भारी संख्या में ट्रेड यूनियन के सदस्यों ने इस प्रदर्शन में भाग लिया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पूंजीपतियों की सरकार बनकर रह गई है, आम जनता और मजदूरों का शोषण करने के लिए नियम बनाए जा रहे हैं, आम जनता की आवाज को दबाने के लिए कानून बनाए जा रहे हैं, इसलिए उनके द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज के दिन इंटक द्वारा कानूनों की प्रतिलिपियों को जलाकर रोष प्रकट किया गया। इंटक के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश भारद्वाज ने इस मौके पर कहा कि भाजपा पूंजीपतियों की सरकार है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने मजदूरों की आवाज को दबाने के लिए 44 कानूनों को खत्म कर दिया है, जो मजदूरों को न्याय दिलाने में मदद करते थे। केवल बड़े उद्योगपतियों को कैसे लाभ पहुँचाया जा सके, इसके लिए केंद्र सरकार कार्य कर रही है। यही वजह है कि किसान और मजदूर आज दोनों सड़कों पर उतरकर इंसाफ मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज उनके द्वारा जो कानून उद्योगपतियों के हितों के लिए बनाए गए हैं, उसका वे पुरजोर विरोध करते हैं और उन कानून की प्रतिलिपियों को जलाकर रोष प्रकट कर रहे हैं। जगदीश चंद्र भारद्वाज, अध्यक्ष ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस हिमाचल प्रदेश। ये जो आज का प्रदर्शन हम कर रहे हैं, ये अखिल भारतीय स्तर पर ये प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि ये जो मोदी की सरकार है, ये जो भाजपा की सरकार, ये जो फासिस्ट सरकार है, इस सरकार ने जो 44 कानून थे, श्रम कानून, जो मजदूरों की भलाई के लिए कानून बने थे, उन कानूनों को 4 करोड़ में सीमित कर दिया। और वो 4 करोड़ भी क्या है, वो अदानी अबानी को लाभ पहुंचाने वाले और उनके दफ्तरों के अंदर ही उनके एडवाइजर ने ही वो बना दिए हैं। और जो अभी तक का कानून था इस देश के अंदर मजदूरों के लिए, जैसे औद्योगिक विवाद अधिनियम था, फैक्ट्री एक्ट था, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट था, मिनिमम वेज एक्ट था, इस तरह से जो बहुत हितकारी कानून पिछले सौ वर्षों के दौरान बलिदान देकर हमारे शहीदों ने जेल में जाकर पुलिस की लाठियों के प्रहार खाकर कई कई वर्षों तक जो जेलों के अंदर रहे, अंग्रेजों की जेलों के अंदर, उन्होंने जो कानून मजदूरों के हित में बनाए थे, ये भाजपा की मोदी सरकार ने उन तमाम कानूनों को ध्वस्त कर दिया, खत्म कर दिया और उसकी जगह अदानी और अबानी को लाभ पहुंचाने वाले कानून बना दिए गए हैं। आज जो है ये प्रदर्शन, क्योंकि अखिल भारतीय स्तर पर हो रहा है, सारे हिंदुस्तान में हो रहा है, हिमाचल प्रदेश में भी हो रहा है, और इसमें बिजली बोर्ड और जो सरकारी कर्मचारियों का भी बहुत सारी यूनियनें इस हड़ताल में शामिल हैं, लेकिन AITUC के स्तर पर ये जो मामला आज का है, हम ये जो 4 करोड़ इन्होंने बनाए हैं अदानी और अबानी के हित के, उन कानूनों की प्रतियाँ आज हमारे पास है, उन कानूनों की प्रतियों को हम जलाएंगे और ये संदेश भेजेंगे कि आपने जो कानून बनाए हैं उन कानूनों का हम कड़ा विरोध करते हैं। ये 1 अप्रैल 2021 से उन कानूनों को लागू करने की तैयारी कर रहे हैं और हम इसका विरोध करता है। और हम एक बात और भी कर रहे हैं कि किसानों का जो आंदोलन इस देश के अंदर चला है, उस किसान आंदोलन का भी हम समर्थन करते हैं।